संगवारी हो, अभी हमन कटक जात हन और अभी डिनर करके हमन ढेंकानाल ट्राइपर्स रेस्टोरेंट में रुके हैं। आपन भी कभी रात के यहाँ आई है तो बहुत बेहतरीन फैमिली रेस्टोरेंट है, बेहतरीन खाना मिलते हैं यहाँ पर और बहुत टेस्टी खाना है। हमारे संग में हमार पुरुषोत्तम भाई भी हैं, तो मैं जाना चाहूँ पुरुषोत्तम भाई कैसे लगी आपके डिनर, इसके स्वाद कैसे लगी? एकदम मज़ेदार, बहुत मज़ेदार ना, बहुत अच्छा नज़ारा है, एकदम सड़क के किनारे बहुत ग्रीनरी है और हमारे संग में शर्मिला जी भी है, मैं चाहूँ शर्मिला जी भी ब्लॉग में ही। तो अभी हम ढेंकानाल में हन कटक जात हन, तो कैसे लगी यहाँ का खाना? बहुत बढ़िया लगी, एकदम मज़ेदार लजीज खाना था। तो लाइट में आ जाओ, एटीएम बहुत बढ़िया लगी मोला खाना। और पहली बार बोला सर के साथ कटक में रिकॉर्डिंग करे के मौका मिला थे, तब वो आदरणीय गुरु जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आवत है। और आप मन पर बहुत बढ़िया बढ़िया गाना हमन लेकर आवत हन। सबसे मजेदार बात कि सर जी के नया गाड़ी में पहली बार कटक मोला आए के मौका में, तो सादर वंदन अभिनंदन। अच्छा, हमारे गाड़ी वहाँ पार्क हो देखा है ना, वहाँ डिक्की खुले है, बुधराज भाई काका में से अपन सामान वान रखा थे। तो हमार किया कैरेंस में पहली बार कटक की यात्रा है और हमार संग में हमार गीतकार भाई, हमार गायिका शर्मिला जी, और ये जगह के नाम है ढेंकानाल। ढेंकानाल में हमन आए हैं छत्तीसगढ़ से और कटक जाते हैं, बहुत अच्छा लगा थे, बहुत ही मज़ा आते। तो आगे के भी हम सफ़र आपन ला बताबो, और देखो बहुत प्यारा नज़ारा है, एकदम रात के अभी 12 बजे थे लेकिन यहाँ फैमिली रेस्टोरेंट है, गाड़ी लगातार आते, लगातार यहाँ जो पारिवारिक जो भी सफ़र कर रहे थे परिवार के संग वो मना के यहाँ रुकते हैं। और बेहतरीन जगह है, अगर अपन परिवार लेके कटक जात हो तो ढेंकानाल में अपन डिनर कर सकते हो। तो संगवारी हो, बिहनिया के 1:11 हुआ थे और अभी हमन कटक प्रवेश करत हन, और कटक के नज़ारा में अपन दिखाता हूँ। देखो ये देखो, और हमार संग माहे शर्मिला जी, पुरुषोत्तम जी, अबुधराज जी, सोगिन है जगिन है, कलाकार के जिंदगी यह रे संगवारी हो। रात के 1 बजे हम कटक पहुँचे हैं, शर्मिला जी बुधराज जी के आंखी ले चश्मा नहीं उतरे थे, अभी सूत के उठे हैं संगवारी में, अति नींद भर रात रात भर जागथन तब जाके गाना बनथे। हाओ ऐती रायगढ़ वाला राजा बैठी ने जी, संगवारी हो मैं दुलार तुम्हारे जी, नितिन भैया कृपा द्वार पे या दुलार एडिट तो करे भर कोई दिक्कत। तो संगवारी हो, हमेशा जब भी मैं आता हूं तो कटक मां होटल बॉम्बे इन में रुकता हूँ। पिछले बार भी मैं आप ला कटक डायरी में बता रहे हूँ कि मैं बॉम्बे इन आ रहे हूँ, केदारी पुरुषोत्तम भाई और शर्मिला जी संग में आते, पिछले बार तो बुधराज भाई रहे, तो देखो बॉम्बे इन होटल के नज़ारा। तो संगवारी हो देखो, ये होटल बॉम्बे इन जहाँ मन रुकथन, बोलो लखन श्यापति रामचंद्र की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कृष्ण हरे क्या कृष्ण भगवान हरे। ये हरे होटल बॉम्बे इन, यस दिन दुनिया। तो संगवारी हो, हमन पहुँच गए हैं होटल बॉम्बे इन मा, रात के 1:15 थे और सब जी तो कम नहीं सुनता भाई हो, तकर बाद भी है ना आपन के गाना मस्त बन ही म्यूजिक है। ठीक है ठीक है, चलो जय जोहर संगवारी हो। तो मैं नितिन दुबे अपन फिल्म के गाना रिकॉर्डिंग कर पर कटक आया हूँ, तो अभी रात के 1:15 हुआ थे, बहुत लेट हो गए हमें, कल मॉर्निंग में ट्रैक है। मैं पिछले 20 साल से जब भी कटक आता हूँ तो ये होटल में रुकता हूँ,
होटल के नाम है बॉम्बे इन। और मैंने जब मैं अपन कैरियर के पहला गाना गा रहे हूँ तो ये होटल में आ रहे हूँ, होटल बॉम्बे इन। अभी रात होगी से अभी कोई ज़्यादा जिन नहीं है, हमारे मैनेजर साहब बैठी ने काउंटर में। होटल बॉम्बे इन पिछले 20 साल से मैं यहाँ आता हूँ। और पहले मैं वहाँ पे सामने एक होटल में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, पता नहीं अभी वो है कि नहीं है, यहाँ पे है ना। जी जी, तो चलिए बाकी तो वीडियो मैं कल सुबह बनाऊँगा, लेकिन ये मैं बताऊँगा आपको कि रात को 1:15 बजे मैं अभी पहुँच रहा हूँ। ये देखिए हमारी सिंगर शर्मिला जी, हमारे राइटर बुधराज चौहान जी, पुरुषोत्तम जी, सभी अपना लगेज निकाल रहे हैं। और हमारे राइटर पुरुषोत्तम भाई, हमारे राइटर बुधराज जी, हमारी छत्तीसगढ़ की स्टार गायिका शर्मिला जी, हमारा हारमोनियम, हम जहाँ जाते हैं लेके जाते हैं, और हमारी नई गाड़ी किया कैरेंस। आ जाइए लिफ्ट में बुधराज भाई, आनंद राव, आनंद राव शर्मिला जी। चलो फिर आ जाएंगे छोटा। तो शर्मिला जी कैसा लग रहा है आपको कटक आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बुधराज जी इधर देखिए, इधर इधर कैमरे में, कैसा लग रहा है? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ भाई, दिलीप भाई और आपके साथ। मैं तो मजा के मारे बचपन में आई हूँ। चलो चलिए, निकलिए निकलिए बाहर निकलिए, चलिए 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 चलिए। ओके, चलो तो संगवारी हो, कटक पहुंच गए हमन पूरा टीम के संग मां। बहुत प्यारा नजारा है। तो संगवारी हो, फाइनली हमन कटक आ गए हन। और कटक में मोर परमानेंट होटल बॉम्बे इन में हमन हमेशा रुकथन। तो हमन अपन रूम में आ गए हैं, और रूम में हमर जो गीतकार मन है वन थक गए हैं पूरा लंबा सफ़र से। तो सबसे पहली देखो सीनियर गीतकार बुधराज चौहान जी रा, नज़दीक से देखो सफ़र की यात्रा से एकदम थके हैं बेचारा। एक साल में सबसे ज़्यादा मिलियन क्लब में गाना देने वाला गीतकार, गुलमोहर चांदनी टू, और वही मुनगा घाटी से तहलका मचा दिए नंदू के रोल में। बुधराज जी कैसे लगा थे कटक में पहुँच के आपला? बहुत अच्छा महसूस होते, और बहुत थके हम, और उसने रात रात भर उस निंदा होके हमन सब गीत की तैयारी करथन। तो काली तो, आपके फिल्म के रिकॉर्डिंग है तो कैसे हाँ, कैसे तैयारी है आपके? मोर बेवफा गीत की तैयारी है, वह अभी रप में है। बोला रात भर एक घंटा आराम करके पूरा रात के सब लोग उतार के फ्रेश होके आप मल्ला हमारे स्टूडियो में फिर मिला था। संगवारी हो, मैं बताता हूँ बुधराज भाई अक्सर ना आप लोग दिखा थे कि अभी रेस्ट कर रहे थे, लेकिन यह ना तुरंत आधा एक घंटा में उठ जाइए फिर गाना लिखी रात भर। तो अब आओ रायगढ़ वाला राजा के गीतकार पुरुषोत्तम चौहान जी का हाल चले देखा जाए। बहुत थक गए पुरुषोत्तम जी लगा थे भाई। मैं नमस्कार, हमार अब तक बड़े भाग्यशाली इंसान नितिन भाई के साथ जुड़े हैं। ऐसे ऐसे होटल में हम लोग रोका थे, खिलाते पिलाते, हम लोग सपना में सोचे भी नहीं बॉम्बे इन होटल के लिए कटक के नामी ग्रामी होटल है, जहाँ बड़े बड़े NRI में रुकते हैं, बड़े बड़े VIP में रुकते हैं। आज सौभाग्य की बात है, नितिन भाई बहुत बहुत प्रणाम करी कि इतना सुंदर होटल में हम लोग रुकवाए हैं। जगह एक दिन के किराए हैं महोदय 5,000 रुपया, तो हम 3-4 दिन तक यहाँ रुकबो और नितिन भाई सब खर्चे उठाते। नितिन भाई की जय हो। संगवारी हो, ये पुरुषोत्तम भाई के प्यार है, पैसा कौड़ी में मैं नहीं जाऊँ। कहा है कि इमन करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों के अमूल्य गाना मोला देते हैं, और हमारे गीतकार के
लिखोइया में होवन के हमर गीतकार के कलम से ही हम गायक कलाकार संगीतकार के नाम रथे। गीतकार हैं तो हमन हन, तो वैसे तो हमन पूरा टीम हन, सब एक दूसरे के पूरक हन। और हमारे दोनों भाई मन आराम से रेस्ट करत हैं, दू ठी बगुआ भी सुतत हैं, कल स्टूडियो में दहाड़ी है मन। अतका कष्ट सह के अतका मेहनत करके हमन आप मन बराथन, काबर की हमन ला आप मन ला बेस्ट गीत देना रथे। संगीत एक प्रोफेशन नहीं है, संगीत हमर एक धर्म है, एक सेवा है जो हमन आप मन बर करथन। तो संगवारी हो रात के 2 बज गई से, अब बिहनिया कल मिलबो स्टूडियो में, तब तक जय जोहार।